बेंगलोरी मिर्ची का खेमा बना रही हूँ। दो डली प्याज ली मैं, 7 मिर्चियाँ ली बेंगलोरी, 7 मिर्च ली मैं, 4 टुकड़े किलो से ज़्यादा गोश्त ली मैं। ये है, ये थोड़ी सी हल्दी है, ये 1 चमचा नमक है, 1 चमचा अदरक लहसुन है, 1 चमचा मिर्ची है, ये कोथमीर है, ये हरी मिर्चियाँ, दम होते वक्त गरम मसाला। प्याज काट रही मैं, प्याज काट के तल के मैं बतलाती हूँ आपको। 2 चमचे तेल डाल रही हूँ, 2 चमचे तेल डाल रही हूँ, अब इसमें मिर्ची तल लेंगे अपन पहले। मिर्ची ऐसी हो जाती है तलने के बाद। तेल में प्याज तल लेंगे अपन, अदरक लहसुन डाल देना, लहसुन हर चीज डाल के थोड़ी देर हिला देना है, अच्छा हिला फिर प्याज को प्याज ही मिल जाए हमारे। हिलाने अच्छा मिलाने से मज़ा अच्छा आता है, स्वाद अच्छा आता है। खेमे को 3 बार धो लें, अब इसमें खेमा मिला देना, उसका पानी निकला था ना छुट गया। अब इसमें 2 शाही प्याज डाल लें, 1/2 गिलास पानी डाल के चला दें, खूब सीटी लगा के डाल देंगे, डाल के पैन में डाल के मिक्सर डाल देंगे, इससे पानी में मिक्सर भी गल गया था। इसमें छिले कर रखना, पूरा खेमा हो गया, कैप्सियम कम खेमा है, कैप्सिकम खेमा, थोड़ा गरम मसाला डाल देना 1 चुटकी के ऊपर, वो हिला के दम पे छोड़ देना। Yeah, I'm sitting down with you, just missing like that. Yeah, I'm in the depths of